कोरोना को लेकर करोड़ों भारतीयों के लिए लगातार बड़ी गुड न्यूज मिलनी जारी है। कोहराम मचा रहा कोरोना अब घुटनों पर आ चुका है और अब देश में 80,000 पर इसका ग्राफ पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों की ही अगर हम बात करें तो देश में 80,505 मामले सामने आए, तो अच्छी खबर यह है कि 1,32,534 लोग ठीक भी हो गए, मतलब इलाज करा रहे लोगों की तादाद में 55,000 की गिरावट देखी गई है और अब देश में केवल 10,21,000 लोग ही इलाज करवा रहे हैं। यह आंकड़ा 25 मई तक 26 लाख से ज्यादा था, जिसमें पिछले 15 दिनों में तो तगड़ी गिरावट देखी गई है। यानी एक्टिव केस का यही ट्रेंड रहा तो आने वाले कुछ ही दिनों में ये धरातल पर पहुंच जाएगा। हालांकि सरकारें भी फुल अलर्ट पर हैं और देश के 12 राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां अभी भी लगी हैं। तो 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है। अभी उत्तर के राज्यों में हालात बेहद सामान्य हो चले हैं, लेकिन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल जैसे राज्य टेंशन दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 25 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं, जिनमें से वैक्सीन की 31 लाख से ज्यादा डोज पिछले 24 घंटों में ही लगाई गई हैं। भारत ने 20 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज देने की ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल कर ली है। गेम चेंजर साबित हुई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। हैदराबाद में 24 घंटे में ठीक हुए 40 मरीज। कोरोना पर रामबाण बताई जा रही दवा ने तगड़ा असर दिखाया है और बकायदा हैदराबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में 40 से ज्यादा कोरोना मरीजों पर इसका तगड़ा असर भी देखने को मिला है। इन मरीजों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की दवा दी गई थी। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने कहा कि इस दवा ने मरीजों पर अच्छे से असर किया है और 24 घंटों में ही लोग ठीक हो गए हैं। दरअसल हैदराबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी अपने रिसर्च के माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये उपचार कोरोना के सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट डेल्टा के खिलाफ प्रभावी है। डॉक्टर रेड्डी ने कहा कि अमेरिका के अध्ययनों से पता चला है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की एक डोज वाली दवा कोरोना के ब्रिटिश संस्करण, ब्राजीलियाई और दक्षिण अफ्रीकी संस्करणों के खिलाफ भी प्रभावी है। किसी ने भी हमारे देश में मौजूदा डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ इस दवा का परीक्षण नहीं किया है, लिहाजा इस दवा और वायरस पर इसके असर की परीक्षण कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी ने बताया कि इस दवा का परिणाम अब हमारे पास 40 रोगियों में है। इन मरीजों को दवा देने के एक हफ्ते बाद आरटीपीसीआर टेस्ट में लगभग 100% मामलों में वायरस गायब मिले। आपको बता दें कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी को हल्के से मध्यम लक्षण वाले रोगियों में रोग की गंभीरता को कम करने के लिए प्रभावकारी कहा जाता है। ये तब सुर्खियों में आया जब इसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उसके कोरोना पॉजिटिव आने पर दिया गया था। स्विस कंपनी रोश ने ये दवा बनाई है। इसमें दो एंटीबॉडी का मिश्रण कृत्रिम तरीके से लैब में तैयार किया गया है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी की कीमत भारत में 60,000 रुपए है। एंटीबॉडी कॉकटेल की मल्टीडोज पैक की अत्यधिक रिटेल कीमत 1,19,500 रुपए तय की गई है। दवा के हर पैक का इस्तेमाल 2 मरीजों के उपचार में हो सकता है। कंपनी ने भारत में इसे बेचने के लिए सिप्ला के साथ करार किया है। अमेरिका में इस दवा की कीमत लगभग $20,000 है। तीसरी लहर पर बड़े काम की खबर। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर हो चुकी है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है और तो और ये बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी। लेकिन इस मामले में प्रसिद्ध महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया ने पूरी तरह से अवैज्ञानिक करार दिया है। उनके मुताबिक तुलनात्मक रूप से बड़ों के मुकाबले बच्चों में कोई रिस्क नहीं है। भारत में 40% आबादी 18 साल से कम उम्र की है, उनमें से सिर्फ 10% अब तक इन्फेक्टेड हैं। उनके मुताबिक बच्चों को रिस्क कम होने का एक वैज्ञानिक आधार भी है। वायरस फेफड़ों में मौजूद APA2 नाम के रिसेप्टर्स में जुड़ता है। बच्चों में ये रिसेप्टर अंडर डेवलप होते हैं, इसी वजह से बच्चों में इन्फेक्शन होने के बाद भी गंभीर लक्षण नहीं होते। जिन देशों में तीसरी या चौथी लहर आई है वहां भी बच्चे अधिक प्रभावित नहीं हुए हैं। नए वेरिएंट्स भी बच्चों को अधिक प्रभावित नहीं कर रहे हैं, यानी तुलनात्मक रूप से देखें तो बच्चों को कोई रिस्क नहीं है। कोरोना से मौतों पर बड़ा प्रोपोगेंडा। भारत में कोरोना से हुई मौतों के बारे में बेहद भ्रामक आंकड़े पेश करने में कई विदेशी संस्थानों का बड़ा हाथ रहा है। पश्चिमी देशों को लेकर मुंह पर पट्टी बांध लेने वाले ऐसे ही एक संस्थान ने फिर से एक रिपोर्ट छाप कर सनसनी फैला दी है, लेकिन भारत सरकार ने उसकी पोल खोल कर रख दी। भारत ने द इकोनॉमिस्ट की उस खबर की हवा निकाल दी है जिसमें कहा गया है कि भारत में कोरोना से मरने वालों की तादाद आधिकारिक आंकड़ों से 5 से 7 गुना ज्यादा है, जिस पर सरकार ने कहा कि ये सभी आंकड़े महामारी विज्ञान संबंधी सबूतों के बिना महज आंकड़ों के आकलन पर आधारित है। मंत्रालय ने द इकोनॉमिस्ट की खबर को कयास लगाने वाला और बिना किसी आधार वाला और भ्रामक करार दिया है। बयान में कहा गया ये अनुचित विश्लेषण महामारी विज्ञान के सबूतों के बिना केवल आंकड़ों के आकलन पर आधारित है।
मंत्रालय ने कहा कि पत्रिका में जिस अध्ययन का इस्तेमाल मौतों का अनुमान लगाने के लिए किया गया है वो किसी भी देश या क्षेत्र के मृत्यु दर का पता लगाने के लिए विधिमान्य तरीका नहीं है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कई कारण गिनाए जिसकी वजह से जिस अध्ययन का इस्तेमाल प्रकाशक ने किया है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि वैज्ञानिक डेटाबेस जैसे पबमेड, रिसर्च गेट आदि में इंटरनेट पर इस अनुसंधान पत्र की तलाश की गई, लेकिन ये नहीं मिला। अध्ययन करने के तरीके की जानकारी भी पत्रिका की ओर से उपलब्ध नहीं कराई गई। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, एक और सबूत दिया गया कि ये अध्ययन तेलंगाना में बीमा दावों के आधार पर किया गया है, लेकिन एक बार फिर समीक्षा किया गया, वैज्ञानिक आंकड़ा ऐसे अध्ययन को लेकर नहीं है। साथ ही रिपोर्ट एग्जिट पोल करने वालों के अध्ययन पर आधारित बताई गई, जिनको स्वास्थ्य संबंधी कोई अनुभव नहीं है, यहाँ तक कि उनके चुनावी एग्जिट पोल ही गलत साबित हो जाते हैं।